हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपना 13 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पूरा देख लीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से ही हैं, बहुत सिंपल हैं, बट स्टिल आई थॉट कि एक्सरसाइज करने से चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है, दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग देम। सो लेट अस स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, एम सी क्यूज़ हैं। पहले क्वेश्चन ए आपका एम सी क्यूज़ हैं, तो उसमें फर्स्ट है, इफ़ फॉर सम रीज़न द सेबेशियस ग्लैंड्स फेल टू फंक्शन। अगर हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आएँ तो आपके दिमाग में ना, मतलब आपको अगर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो यू कैन आंसर वेरी इजीली। तो सेबेशियस ग्लैंड्स का फंक्शन आपको पता है कि वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी स्किन को ऑयली रखता है। तो अगर सेबेशियस ग्लैंड्स फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आर स्किन विल टर्न dry and rough. So the correct answer would be D. Okay. Which one pair of two conditions includes both as abnormal conditions of skin pigmentation? Skin pigmentation की abnormal conditions कौन सी हैं? आपको ध्यान होगा हमने दो पढ़ी थी, albinism और leucoderma. Albinism और leucoderma में difference आपको याद है? Leucoderma में क्या होता था कि white patches हो जाते हैं skin पे, ठीक है? Patches, discoloration होता है skin पे, patches बन जाते हैं। और albinism जो है complete loss of pigmentation है, इसमें कि even eyebrows, eyelashes, कई बार iris तक colorless हो जाता है, बिल्कुल albinos होते हैं जिनके कि बिल्कुल ही pigment मिलने नहीं होता है, ठीक है? ये difference है, ध्यान रखिएगा। Which next is which one out of the organs listed below most actively functions in regulating our body temperature? कौन सा organ है जो सबसे ज़्यादा हमारे body temperature को actively regulate करता है? तो अभी हमने जो पढ़ा है, skin, the biggest organ of our body. Next is sweat glands are situated in. Sweat glands कहाँ होते हैं? Dermis में, है ना? डीप सीटेड होते हैं। स्वेट पोर कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर। लेकिन स्वेट ग्लैंड कहाँ होते हैं? देखो डिफरेंस ध्यान रखना, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आप एक बार ढंग से टेक्स्ट को ढंग से पढ़ लीजिए, फिर कोई भी किसी भी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे, यू कैन आंसर वेरी इजीली। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड चिल्ड्रन, इफ यू आर गोइंग टू टेक बायोलॉजी इन 11th एंड 12th, 10th आप 9th में हो, 10th में बायोलॉजी कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी, 11th 12th में अगर आप बायोलॉजी ड्रॉप भी कर रहे हो ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, एनडीए आपको पता है, तो उसमें भी जो बायो पोर्शन आता है एनडीए का, वही 9th 10th की बायो होती है। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, उस समय आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ये मत सोचेगा कि दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो ये जो बेसिक जनरल साइंस वाली बायो होती है ना, ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आती है। तो अभी से आप पढ़ के ध्यान से चलोगे तो बाद में हेल्प होती है, तो फिर बाद में वो सब बैठ के बुक्स में से रटना पड़ता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं हमारे, दे आर सिचुएटेड इन दी डर्मिस, ठीक है? स्वेट पोर एपिडर्मिस के ऊपर होता है, स्वेट ग्लैंड डीप सीटेड होते हैं, डर्मिस में सिचुएटेड। नेक्स्ट, दी एपिडर्मिस इज हाईली थिकेंड इन। एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों हमारी कहाँ थी थिक? हमारी पाम्स पे, हमारी एंकल्स पे, है ना, फुट के सोल पे। तो अब यहाँ पे आईलिड, थाई, लिप और पाम दे रखा है, तो दी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वुड बी पाम। ये सोल्यूशन ए के आंसर्स है सारे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज नेम द प्रिंसिपल बॉडी हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन आर ब्रेन। हमारी बॉडी का हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन में सिचुएटेड होता है। इट इज़ द प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन आर ब्रेन। चिल्ड्रन, वी आर डूइंग सेलेना हियर। हम यहाँ पे सेलेना की बुक्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सेलेना की बुक्स, मुझे मेरे हिसाब से दे आर रियली कंप्लीट बुक्स। उनमें हर तरीके का क्वेश्चन कवर करते हैं, हर टाइप कवर करते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। 9th के भी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, है ना, 10th के तो होते हैं, तो 9th भी बोर्ड देता है। तो ये जो जिस तरीके के क्वेश्चंस है ना, इसी तरीके का पैटर्न आपके बोर्ड में आता है। आपको जो सेक्शन ए होता है वो थरली ऑब्जेक्टिव होता है, कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है। सेक्शन ए 40 मार्क्स कम्प्लीट ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी 40 मार्क्स, वो भी वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें, लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिविटी पे ही बेस्ड होता है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे यूजुअली होता है कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में, तो उसके भी 10 पार्ट्स होते हैं। तो इसीलिए आपका जो बायो का पेपर होता है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी में ये होता है कि जिन बच्चों को पूरा आता है उनके तो फुल मार्क्स आएंगे, और जिनको नहीं आता तो वो आपको कहानी लिखने से, मतलब थ्योरी लिखने से आपको हेल्प नहीं होगी। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर होगा तो मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट होगा तो नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी में दोनों चीज़ होती है ना।
इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि यू शुड बी थरो, थरो नॉलेज होगी तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, नेम एनी वन मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड एनी वन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड. मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने मेमरी ग्लैंड, है ना, तो वो हो गया. सेबेशियस ग्लैंड हमने सेरुमिनस पढ़े हैं और भी पढ़े हैं, तो वो आपको अगर याद है तो आप कोई भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, नेम द स्किन ग्लैंड्स विच व्हेन इन्फ्लेम्ड कॉज एक्ने. कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एक्ने कॉज करते हैं हमारे? सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन पे जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो दे कॉज एक्ने. नेक्स्ट, स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ द मेमेलियन स्किन अदर देन दोज कंसर्न विद हीट रेगुलेशन. हीट रेगुलेशन के अलावा आप मेमेलियन स्किन के दो और फंक्शन बताओ. तो एक तो हो जाएगा स्टोरेज ऑफ, हीट रेगुलेशन के अलावा बताने तो आप एक तो प्रोटेक्शन बोल सकते हो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को एक्सटर्नल, स्किन जो है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है. दूसरा, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करती है क्योंकि हमारी जो स्किन है उसकी जो हाइपोडर्मिस है उसमें फैट स्टोर होती है, डर्मिस में भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं तो ये फैट स्टोर करती है. फैट से हमें क्या होता है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है. दूसरा, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी. स्किन जो है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसाइज करती है विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आर बोन हेल्थ. नेक्स्ट इज, व्हाट इज गूज फ्लैश, हाउ इज इट ब्रॉट अबाउट. गूज फ्लैश क्या होता है हमने अच्छे से डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ा था कि जब हम हमें या तो बहुत ठंड लगती है या हम अचानक डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, तो दैट इज़ नोन एज गूज फ्लैश. दैट पर्टिकुलर जो फिजिकल फीलिंग होती है उसको हम गूज फ्लैश बोलते हैं. तो अ पेक्यूलियर रफनेस ऑफ द स्किन प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड और फियर इन विच द हेयर फॉलिकल्स बिकम इरेक्ट एंड बम्प्स ऑन द स्किन इज कॉल्ड गूज फ्लैश. हम कहते हैं ना आई एम हैविंग गूज बम्प्स, तो गूज बम्प्स मीन्स कि आपकी स्किन पे ना जो आपके हेयर हैं छोटे छोटे वो एकदम इरेक्ट हो जाते हैं, उनकी जो इरेक्टर मसल्स होती हैं वो ओब्लीक हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, तो वो हेयर को पुल करते हैं तो हेयर एकदम इरेक्ट हो जाते हैं और हेयर की जो आसपास वाली जो स्किन है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, तो गूज फ्लैश अकर्स व्हेन द मसल्स एट द बेस ऑफ द हेयर नोन एज इरेक्टर्स और एरेक्टर्स दे कॉन्ट्रैक्ट. तो इरेक्टर मसल्स ओब्लीकली होती हैं हेयर के बीच में और डर्मिस के बीच में. जैसे सपोज ये आपका हेयर है और ये आपकी जो अंदर वाली लेयर है ये पूरी डर्मिस है, तो इसके बीच में क्या है, मसल्स हैं. दूसरे कलर से लेते हैं, ये जो मसल्स हैं ये ओब्लीकली प्लेस्ड होती हैं, ऐसे ओब्लीक मींस फ्लैट होती हैं. तो ये जब पुल करती हैं तो नॉर्मली हेयर किस पोजीशन में होता है, नॉर्मल हेयर जो होता है हमारा वो इस पोजीशन में रहता है ना, तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये वाली मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये क्या करती है, इस हेयर को इरेक्ट कर देती है, हेयर इरेक्ट हो जाता है. तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गूज फ्लैश, और जो हमें मिलती है जो फीलिंग मिलती है वो गूज बम्प्स होते हैं. ठीक है, तो स्मूथ मसल्स होती हैं ये हेयर को मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर मसल्स पुल्स द हेयर वर्टिकल एंड डिप्रेसेस द एपिडर्मिस रिजल्टिंग इन गूज फ्लैश. ये हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाता है और जो उसमें साथ साथ में जो एपिडर्मिस होती है वो डिप्रेस हो जाती है. व्हाई डू यू शिवर एंड व्हाई डू योर टीथ चैटर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर. हमको कंपकपी क्यों छूटती है, व्हाई डू वी शिवर और हमारे दांत बजने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम ना वार्म ब्लडेड हैं, वी आर होमोयोथर्मल्स. तो मतलब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि आसपास हमारे 5 डिग्री टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का 5 डिग्री हो जाएगा, नहीं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को इतना टेम्परेचर तो मेंटेन करके रखना ही रखना है, तब वो ढंग से काम करेगी, नहीं तो हमारे एंजाइम्स या हॉर्मोन्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, हम नॉर्मली जिंदा नहीं रह पाएंगे. तो क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारा नर्वस सिस्टम ना ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देता है ताकि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें. जैसे कि जब ठंड होता है, जब ठंड होती है कोल्ड वेदर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स हमारी नैरो हो जाती है. हमने पढ़ा था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, तो क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं. जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो क्या होता है कि उनमें से
जो हमारा जो लॉस होता है, हीट का लॉस होता है, चाहे वो रेडिएशन की वजह से हो, कंडक्शन की वजह से हो, वो सब बंद हो जाता है, तो हमारी हीट जो है वो प्रिजर्व होती है। तो अब ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। शिवरिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारी मसल्स उस समय बहुत जल्दी रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, ताकि जितना ज़्यादा वो वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा हमें हीट प्रोड्यूस होगी, वार्म्थ महसूस होगी। तो जब बहुत सर्दी होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट वी फील वार्म, हमें ज़्यादा ठंड ना लगे। और द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इंक्रीज बाय इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड मस्कुलर एक्टिविटी। इससे मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है। वो देखने में ऐसा लगता है कि हम शिवर कर रहे हैं, ऐसे 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 हिलते हैं ना, वो एक्चुअली हमारी मस्कुलर एक्टिविटी एनहांस हो रही है, ताकि हमारी बॉडी को गर्मी मिल सके। दैट इज़ वाई आर बॉडी शिवर्स एंड आर टीथ चैटर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड बाय जनरेटिंग मोर हीट। देखने में उल्टा लगता है ना, लेकिन ये होता है, रीज़न ये है इसका। ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन ना हम बस ध्यान नहीं देते कि हाँ ये तो होता ही है करके छोड़ देते हैं। वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल रीज़न। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं ना। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोडर्मा एंड एल्बिनिज्म। ल्यूकोडर्मा और एल्बिनिज्म अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ल्यूकोडर्मा क्या है? लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन फ्रॉम स्मॉलर और लार्जर पैचेस एट डिफरेंट रीजन्स ऑफ आर बॉडी। थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन का लॉस होता है अलग अलग जगह से, थोड़ा थोड़ा। और एल्बिनिज्म क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, पूरी बॉडी से कंप्लीट लॉस, बिल्कुल बॉडी लूज कर देती है पिगमेंट को, है ना। दैट इज एल्बिनिज्म, या उन लोगों को हम एल्बिनोज कहते हैं। देन नेम एनी टू ग्लैंड्स फाउंड इन द ह्यूमन स्किन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप डिफरेंस लिख सकते हो, सॉरी आई एम कमिंग बैक, कि जो ल्यूकोडर्मा है ये जेनेटिक नहीं है, इसका रीज़न नहीं पता हमें एग्जैक्टली, लेकिन ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नोन नहीं है, बट इट इज़ नॉट जेनेटिक। ल्यूकोडर्मा इज़ नॉट जेनेटिक, वेयर इज एल्बिनिज्म इज जेनेटिक। एल्बिनिज्म जो होता है ये ट्रेट जेनेटिक है, रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। ओके, ये आप ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज नेम एनी टू ग्लैंड्स फाउंड इन द ह्यूमन स्किन एंड स्टेट देयर फंक्शंस। कोई भी दो ग्लैंड बता दो, उनके फंक्शन लिखने हैं। तो आप तो सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, है ना, मीबोबियन ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स हैं, चारों में से कोई भी दो ले लो। तो यहाँ पे सेरुमिनस ग्लैंड लिए हैं, जो कि एक मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है, ऑडिटरी कैनाल में होता है, कान के अंदर होता है, और जो हमारे कान में से जो वैक्स निकलता है उसको ये सेरुमिनस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और उस ईयर वैक्स को हम क्या बोलते हैं? सेरुमिन, CERUMEN, ठीक है। ये जो सेरुमिन है ये हमारा ईयर वैक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे मैमरी ग्लैंड्स, नेक्स्ट इज मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, दे आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स एंड प्रेगनेंसी, और ये जो हैं ह्यूमन मेल्स में रूडिमेंट्री होते हैं, रिडंडेंट होते हैं, और फीमेल्स में डेवलप्ड होते हैं, दे डेवलप्ड आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज एंड अदरवाइज नॉर्मल हेल्दी यंग मैन स्टार्टेड परस्पायरिंग व्हाइल इट वाज इंटेंसली कोल्ड आउटसाइड, व्हाट कुड हैव बीन वन रीजन फॉर इट। ये कह रहे हैं कि एक हेल्दी यंग मैन है, वो सडनली बाहर ठंडक है और उसको पसीने आने शुरू हो गए, ही स्टार्टेड परस्पायरिंग, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो उसने बहुत सारी विगरेस एक्सरसाइज की हो, बॉडी बिल्डिंग करा हो, बहुत हैवी एक्सरसाइज की हो, तो यंग मैन है उसको तब पसीना आ जाएगा, है ना। आजकल तो यंग पीपल आर वेरी गुड एट एक्सरसाइज करते हैं, वेरी गुड एट बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उस वजह से पसीना आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो यंग मैन बीमार हो, ही मस्ट बी हैविंग सम फीवर, ठीक है, उसको फीवर हो गया या सिकनेस होगी तो उसको परस्पिरेशन हो सकता है, या फिर वो बॉडी बिल्डर हो, एक्सरसाइज फ्रीक हो और बहुत सारी विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एन्यूमरेट इन अ टेबुलर फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस ऑफ द ह्यूमन स्किन रिस्पेक्टिवली। तो डर्मिस और एपिडर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो आपको बताने हैं। एपिडर्मिस जो है वो इटसेल्फ, इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे बाहर वाली लेयर जिसमें कि फ्लैटेंड, काफ़ी थिक लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल्स की, एक के ऊपर एक फ्लैटेंड डेड सेल्स होते हैं, और वो दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, ठीक है, केराटिनाइज्ड होते हैं। तो हमारे नेल्स में भी वो प्रोटीन होता है और हेयर में भी होता है।
ओके देन बीच वाली जो लेयर है सबसे बाहर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम, अब जो सेकेंड लेयर है मिडिल लेयर दैट इज ग्रैनुलर लेयर, बहुत थिन मिडिल लेयर होती है, इसमें दो या तीन फ्लैटेंड लेयर की फ्लैटेंड सेल्स की लेयर होती है, मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम भी फ्लैटेंड थी और डेड लेयर्स की डेड सेल्स की लेयर थी लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा थिक थी। जो ग्रैनुलर है ये भी फ्लैटेंड सेल्स की लेयर है और ये भी डेड सेल्स है लेकिन ये सिर्फ तीन या चार ही दो या तीन या चार सब लेयर्स हैं बस सेल्स की। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर है मैलपिगियन लेयर, इसको हम स्ट्रेटम मैलपिगी भी बोलते हैं। तो ये जो मैलपिगियन लेयर है ये इनमोस्ट है, इसके सेल्स जो हैं एक्टिवली डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये एक्टिवली डिवाइडिंग लेयर है और यहीं पे हमारा क्या होता है पिगमेंट मेलानिन प्रेजेंट होता है ना, इसी लेयर में हमारा मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारी स्किन को उसका कलर देता है। ओके तो मेलानिन भी इसी लेयर में प्रेजेंट होता है और इसके सेल्स डिवाइड होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग लेयर है और ये ऊपर जाके ये सेल्स ऊपर जाते जाते हैं और ग्रैनुलर और स्ट्रेटम कॉर्नियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स ब्लड वेसल्स नर्व्स एक्सेट्रा। डर्मिस में ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी डर्मिस इनर लेयर है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डर्मिस से आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, डर्मिस में से देखो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, तो वो अपना सीक्रीशन पोर आउट करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स चलते हैं। और क्या होते हैं डर्मिस में, स्वेट ग्लैंड्स के अलावा हमारे फैट सेल्स होते हैं, ओके और क्या होते हैं हमारे सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स भी इसी में होते हैं जो कि अपना सीक्रीशन या तो रूट हेयर को दे देते हैं या ऊपर डर्मिस में निकाल देते हैं ना, सीबम निकालते हैं। उसके अलावा इसी में हमारे जो हेयर होती है उनकी रूट होती है, डर्मिस में ही हेयर की रूट्स प्रेजेंट होती है, तो ये सब भी आप लिखिए कि डर्मिस में ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है तो ये डिफरेंसेस हो गए। ओके नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म्स वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, हाउ डू दीज प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। तो वैसो डायलेशन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। वैसो डायलेशन का मतलब जो लिटरल मीनिंग है, इट इज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, उससे हीट रिलीज होती है, मतलब हमारी बॉडी में अगर हीट इकट्ठा हो रही है तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, हीट से कोई भी चीज़ डायलेट होती है और ठंड से कोई भी चीज़ सिकुड़ती है ना। तो जब हमारी बॉडी में हीट है, हीट हमें रिलीज करनी है तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, तो वी कॉल इट वैसो डायलेशन। तो उससे हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और हीट रेडिएट होती है, ये कहाँ होगा गर्मियों में जबकि हमें हीट लूज करनी है अपनी स्किन से। ठीक है तो वैसो डायलेशन समर्स में होता है, एक्सक्यूज मी। और जो दूसरी प्रोसेस है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसमें क्या हो रहा है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं तो ये अपनी हीट को कंजर्व कर रही हैं, रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई, तो ये होता है सर्दियों में, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई एंड इट टेक्स प्लेस इन द कोल्ड वेदर। ओके हाउ डू दीज प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। अब कह रहे हैं कोल्ड वेदर में क्या होता है कि लो टेम्परेचर होता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो स्किन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसीलिए हम कम हीट लूज करते हैं, लेस लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन एंड रेडिएशन, और वेपराइज भी कम होता है, पसीना भी हमें कम निकलता है, तो हमारी हीट जो है वो कंजर्व रहती है, ये सर्दियों में होता है। ठीक है गर्मियों में इसका जस्ट उल्टा होता है। व्हाट हैपेंस इन हॉट वेदर, हाई टेम्परेचर होते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज इंक्रीज्ड बाय वैसो डायलेशन या फिर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ ग्रेटर लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कंडक्शन एंड रेडिएशन, सो मोर स्वेट इज सिक्रीटेड, और जितना ज़्यादा स्वेट निकलता है वो इवेपोरेट होता है, तो उससे इवेपोरेशन से हमारी सर्फेस पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सो वी फील कूल। ओके ये डायग्राम दे रखे हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के और वैसो डायलेशन के, ये डायग्राम आप लोग कर लीजिएगा, 2-3 marks में आ जाते हैं डायग्राम, कई बार 1 mark में भी आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट, हाउ डज आर स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आर बॉडी अगेंस्ट द फॉलिंग, स्किन हमारी बॉडी, स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को एंट्री ऑफ जर्म्स के अगेंस्ट, कैसे प्रोटेक्ट करती है भाई, स्किन जो है वो बैरियर है, इट इज़ इम्परमिएबल, यहाँ से जर्म्स घुस नहीं सकते अनलेस कि आपकी स्किन में कोई ओपनिंग हो, मतलब कट लगा हो तो जर्म्स घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुस सकते। तो स्किन प्रिवेंट्स दी एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और इन्फेक्शियस एजेंट्स इनसाइड द बॉडी, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, इम्परमिएबल बैरियर है ना, आप ये भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एक्ट्स एज एन
इम्परमिएबल बैरियर, इम्परमिएबल का मतलब समझते हो ना, जो किसी को घुसने नहीं देता, परमिएबल जो कि इम्परमिएबल जो परमिशन नहीं देता है ना, और परमिएबल जो कि परमिशन दे देता है, घुसने देते हैं. नेक्स्ट, एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट इन सीवियर कोल्ड. एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट कैसे प्रिवेंट होती है, हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट नहीं होती है, और कोल्ड वेदर में हम कंफर्टेबल रहते हैं, कोजी रहते हैं. देन एंट्री ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, अगेन अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर हमारी स्किन जो है हमारी टिश्यू के अंदर घुसने से बचाती है, हमारी स्किन हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यूवी रेज तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं, एंड दे कॉज कैंसर. अगर आप ज़्यादा एक्सपोज रहेंगे सन में, इसीलिए लोग सन प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि दे कॉज स्किन कैंसर. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द जनरलाइज्ड वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मेमेलियन स्किन. आप इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, आपकी बुक में जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को उसको ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, उसको देख के घबरा जाते हैं कि इतना भयंकर डायग्राम है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाए. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपलर वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम. तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसमें से कॉपी कर लेना, और इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है. प्रैक्टिकल फाइल में भी, प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई होगी तो उसमें भी ड्रॉ करना होता है, तो ये ईजी है आपके लिए ड्रॉ करना. और इसमें देखो सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस. आप चाहो तो इसमें एक काम कर सकते हो कि ये जो एपिडर्मिस दे रखा है ना, इसके कंपोनेंट्स को मार्क कर लेना है ना, एपिडर्मिस के तीन जो लेयर्स हैं उनको मार्क कर दीजिएगा. बाकी सेबेशियस ग्लैंड भी है, हेयर भी है इसमें, सेबेशियस ग्लैंड है, इरेक्टर मसल है, स्वेट ग्लैंड है, फॉलिकल है, ब्लड सप्लाई दे रखी है, नर्व एंडिंग दे रखी है, इसमें फैट ग्लैंड नहीं है, है ना. तो आप एक इसमें फैट ग्लैंड और ऐड कर लीजिएगा, फैट ग्लैंड बना लीजिएगा, सिंपल होता है बहुत, ठीक है. और बाकी आपकी ये डायग्राम ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, अभी आपको जो आपकी बुक में दे रखा है वही डायग्राम दे दिया है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन. इसकी लेबलिंग करनी है आपको 1-9, पूरे डायग्राम की लेबलिंग करनी है. तो ये आप थोड़ा ध्यान से करिएगा. देखो यहाँ पे नंबर वन इन्होंने क्या पूछा है, नंबर वन देखो कहाँ पॉइंट आउट करें, यहाँ पे ये ओपनिंग में. तो ये ओपनिंग क्या है, ये जो स्वेट ग्लैंड है. नंबर थ्री क्या है आपका, स्वेट ग्लैंड है. तो स्वेट ग्लैंड की ओपनिंग है नंबर वन, तो वो क्या हो जाएगा, स्वेट पोर, ठीक है. इस तरीके की लेबलिंग आपको ध्यान रखनी है. अब नंबर टू देखो, आपको सारे के सारे लेबल करने हैं, तो पहले लेबल ही कर लेते हैं. नंबर टू क्या है, सेबेशियस ग्लैंड है, यहाँ पे दे रखा ना, ये सेबेशियस ग्लैंड है. नंबर थ्री स्वेट ग्लैंड हमने कर दिया. नंबर फोर क्या होंगे, फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, ठीक है. तो जो हमने ऊपर मार्क किया, तो फैट ग्लोब्यूल्स भी मार्क कर सकते हो आप, ठीक है. अब नंबर फाइव पूरा दे रखा है, नर्व्स यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्किन का कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया डर्मिस, ठीक है. तो ये नंबर फाइव डर्मिस हो गया. अब नंबर सिक्स कहाँ है, हाँ नंबर सिक्स ये रहा. अब नंबर सिक्स क्या है, देखो ये लेयर है जो कि एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली लेयर है, वो क्या थी, स्ट्रेटम मैल्पिगी. तो नंबर सिक्स आपकी स्ट्रेटम मैल्पिगी हो जाएगी. सेवन जो है, देखो ये हो गई, अच्छा एल्टी का डिफरेंट कलर. नंबर सिक्स स्ट्रेटम मैल्पिगी हो गई. नंबर सेवन जो है वो ऊपर वाली लेयर है, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेटम कॉर्नियम. और ये एट जो है, पूरी एट को इन्होंने पूरी लेयर दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एपिडर्मिस हो जाएगी, ठीक है. और नंबर नाइन क्या हो जाएगा आपका, हेयर. नंबर नाइन जो है वो हेयर है. तो ये हो गया आपकी. अब इसके बाद क्या है, स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. पार्ट टू क्या था हमारा, सेबेशियस ग्लैंड. तो वो सीबम सिक्रीट करता है, स्किन को सपल रखता है, स्मूथ रखता है ना, सपल वर्ड यही लिख दूं, इट कीप्स द स्किन सपल, सपल और स्मूथ, ओके, ड्राई नहीं होने देता, प्रिवेंट्स ड्राइनेस. पार्ट थ्री क्या था हमारा, स्वेट ग्लैंड. तो स्वेट ग्लैंड क्या है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग स्वेट एंड एक्सक्रीटिंग स्वेट थ्रू द स्वेट पोर, और इट प्रोवाइड्स बॉडी को हमारी ठंडक प्रोवाइड करता है. इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम ओवर हीटिंग. इट प्रोवाइड्स अ नाइस फीलिंग टू द बॉडी. ओवर हीटिंग प्रिवेंट करता है, हमें ठंडक देता है. तो जो स्वेटिंग है, इट कॉजेज कूलनेस. नेक्स्ट इज पार्ट फोर. पार्ट फोर क्या है, फैट.
फैट क्या है, अगेन इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, कुशन प्रोवाइड करती है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ फैट भी हमें हीट प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को थोड़ी सी वार्म रखती है, वार्म्थ प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 हमने क्या मार्क किया है, हेयर। अब हेयर क्या करते हैं, आपको हेयर जो है एक तो आपकी ब्यूटी के लिए ज़रूरी है, दूसरे प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव भी हैं और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं, टच की सेंसेशन होती है, यही सब चीज़ें हेयर की, है ना, और कुछ ऐसा नहीं है। ओके, यही सब दे रखा है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट है, अच्छा मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा, लेट मी सी, नेम एनी वन पार्ट ऑफ द अबव विच हैज़ एटलीस्ट 3 फंक्शंस। तो वो आप किसी भी एक के 3 फंक्शन ले सकते हो। यहाँ पे हमने सेबेशियस ग्लैंड्स के लिए हैं, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो स्किन प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑयली लेयर बनाते हैं ना तो ड्राई नहीं होने देते, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सीक्रेट एंड ऑयली सब्सटेंस नोन एज सीबम दैट ल्यूब्रिकेट हेयर एंड स्किन ऑफ मैमल्स एंड ब्रांड्स ऑफ सीबम एनेबल्स टू एक्सपीरियंस अ वेट स्किन इवन इफ वी हैव नॉट टेकन बाथ फॉर डेज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 मे एड टू वंस गुड अपियरेंस और द फिगर, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन विच मे बी कॉमन टू बोथ मैन एंड वुमेन। पार्ट 4 क्या है, फैट। अब ये फैट जो है हमारी बॉडी में एक लिमिट तक होती है, प्रोपोर्शन में होती है, तो वी लुक ब्यूटिफुल, है ना, ज़्यादा पतले लोग भी अच्छे नहीं लगते हैं। द वन फंक्शन विच मे बी कॉमन टू बोथ मैन एंड वुमेन इज दैट फैट सर्व्स एज अ फूड रिजर्व। फूड रिजर्व की तरह एक्ट करती है, हीट इंसुलेटिंग लेयर है और शॉक एब्जॉर्बर है। ये जो फैट का फंक्शन है ये मैन और वुमेन दोनों में कॉमन है और ये हमारी बॉडी में इसेंशियल है। फैट होनी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, एक तो प्रोटेक्शन होता है एंड बिसाइड्स इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू अ बॉडी। इट बोन्स पे हमारे फैट की लेयर होती है, इट गिव्स अ शेप एंड ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर टू अ बॉडी, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो वी आर फिनिशिंग विद दिस चैप्टर हियर। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा एंड शेयर योर डाउट्स। ओके।